खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन अटल अखाड़ा बड़नगर रोड मोहनपुरा स्थित चमत्कारी सिद्ध त्रिशूल आश्रम पर गुरु पूर्णिमा महापर्व के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर समिति द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर महंत सेवागिरी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्रह्मलीन श्री श्री 1008 श्री महंत रामेश्वर दास गिरी गुरु महाराज गिरनारी बापू वर्ष 1969 में धार्मिक नगरी उज्जैन में पधारे थे और तपस्या की तथा वर्ष 1980 में चमत्कारी सिद्ध त्रिशूल स्थापना यह कहते हुए की थी कि जो भी व्यक्ति इस त्रिशूल पर मन्नत का धागा बांधेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपके ब्रह्मलीन होने के पश्चात पीठाधिपति महंत श्री सेवानंद गिरिजी महाराज इस गद्दी पर स्थापित हुए। आपने मंदिर समिति का गठन किया जिसके संस्थापक व अध्यक्ष आप स्वयं हैं। आपके द्वारा सतत मंदिर के निर्माण और विकास के साथ साथ सेवा भाव के कार्य गौ सेवा संत सेव कन्या विवाह सेवा रोगी सेवा के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण जैसे पुनीत कार्य किए जाते हैं। वहीं समिति के द्वारा नवरात्रियों व शिवरात्रि पर्व पर कन्या भोज तथा भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष से गुरु पूर्णिमा महापर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महंत सेवागिरी जी महाराज ने बताया कि इस समय में इस मंदिर में स्थापित चमत्कारी सिद्ध त्रिशूल के चमत्कार पर वर्ष 2004 में एक पूर्व अल्पकालिक महिला मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े करने के साथ ही इनकी सत्यता को परखने का प्रयास किया। त्रिशूल को हाथी से उखड़वाने के साथ ही खुदाई करवाई गई। 21 फीट तक खुदाई करवाने के बाद निकले पत्थर में त्रिशूल को गड़ा हुआ देख इसकी सत्यता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद निरंतर सिद्ध त्रिशूल के चमत्कार के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी और देखते ही देखते चमत्कार की ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। आश्रम पे और आश्रम का क्या महत्व है? आज गुरु पूर्णिमा का गुरु महाराज जी के उपलक्ष में संत सेवा में भंडारे का आयोजन किया गया और कुछ करीब साधु संतों को अतिथियों को भोजन कराने का कार्य किया गया है। ये 1969 में शाखाने की स्थापना हुई थी। चमत्कारी त्रिशूल की 1969 में इसकी स्थापना गुरु महाराज श्री महंत रामेश्वर गिरी गिरनारी बापू ने की थी। इसका महत्व है कि ये चमत्कारी त्रिशूल जब से यहाँ स्थापित हुआ है आज तक इसको कोई उखाड़ नहीं पाया। इसको लोगों ने कुछ नेता लोगों ने जो है इसको खुदवा के देखने की कोशिश की। 21 फुट कर खोद कर देखा गया, 21 फुट तक हाथियों से निकलवा कर देखा गया, कोई भी सफल नहीं हो पाया। इसलिए आज इस त्रिशूल की मान्यता जो है तो दूर दूर तक है। लोग इस पर धागा बांध कर अपनी मनोकामना की अर्जी लगाते हैं। लोगों की मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर वो धागा खोलने भी आते हैं और यह समिति के सहयोग भी करते हैं और यह समिति जो है अनेकों धर्म के कामों से जुड़ी हुई है। गरीबों किसी दुखियों के रोगों के रोगियों का इलाज करवाना, कन्याओं का ब्याह विवाह शादी कराना, वृक्षारोपण करना, गौ सेवा करना, अन्न दान भंडारा वगैरह करना और जब ये सावन महीना आता है तो जो ये कांवड़िए यात्रा करने आते हैं उनके लिए निवास कर देते हैं, उनके लिए जो है तो राशन पानी और भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं और चाय पानी नाश्ता भी करवाते हैं और कोई भी पर्व आता है तो यहाँ हर प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। दो भंडारे तो नौ दुर्गाओं में होते हैं। कन्या भोजन पास के गांव मोहनपुरा मुल्लापुरा की कन्याएं जितनी स्कूल की 1500 सबको भोजन कराया जाता है और एक महाशिवरात्रि का पर्व किया जाता है और एक अभी गुरु पूर्णिमा पर महापर्व किया जाता है गुरु महाराज के उपलक्ष में। ये पहले दूसरी जगह करते थे, अब इसी स्थान पर करना चालू कर दिया जब से इसको ट्रस्ट बनाया है, जब से कार्य ये समिति बनाई है। महंत सेवानंद गिरी जी महाराज संस्थापक एवं अध्यक्ष चमत्कारी त्रिशूल संचालन समिति। खबर समय जगत के लिए उज्जैन से रूपेश तिवारी की रिपोर्ट। पर समय जगत एक संदेश पूरा देश एक आगाज सच दिखाने का हम हैं आपकी आवाज़।